आपको उठा ले नहीं अब यहाँ पे बस मेट्रो है जिससे मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये मेरा होने वाला फेवरेट का फेवरेट टॉय। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up, guys? YPM Vlogs back here. तो guys, क्या हालचाल है? Back on daily roger, Hong Kong जा करके तो मैं परेशान हो गया। ना कुछ खाने को मिल रहा ढंग का, जहाँ भी जा रहे इतनी स्मेल वाला खाना, ये लोग पता नहीं क्या क्या अनशेंट खाते हैं। बट आज की वीडियो में I'll show you क्या शॉपिंग करके लाया हूँ मैं हांगकॉन्ग से। भाई टॉयज तो बहुत सारे लेकर के आया हूँ और वो भी यूनिक यूनिक से। मम्मा ने शॉपिंग करी है गुची की भी, तो वो भी दिखाता हूँ। तो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। और यहाँ पे इतने सारे लोग, ये एक्चुअली न्यू दिल्ली स्टेशन है, तो यहाँ पे काम से आया था मैं और आज अभी 5 बज रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी घर भाग रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर नहीं गया ना तो इतना ट्रैफिक मेरे को मिल जाएगा कि भाई घर जाना फिर 2 घंटे लगेंगे। अभी भी 1 घंटा दिखा रहा हूँ मैं स्टिल, तो जल्दी से भाग रहा हूँ, कॉफी ग्रैब करूंगा रास्ते से और सीधा घर। ये सैंडविचेज है वेंगर्स के, बहुत फेमस होते हैं। हैम एंड चीज है और चिकन मेयोनीज है। प्रॉन वाला मेरे को चाहिए था, वो खत्म हो गया, तो मैं चिकन मेयोनीज ले रहा हूँ। हैम नहीं खाता यार मैं। पहले यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ता है फर्स्ट काउंटर पे, फिर यहाँ पे वो स्लिप देते हैं पेमेंट की। तो ऑर्डर 2 बार करना पड़ता है, एक पेमेंट का अलग और एक रिसीविंग का अलग। तो ऐसे ऑर्डर होता है यहाँ पे वेंगर्स में। ये आ गया मेरा ऑर्डर। ये शेक की शॉप है यहाँ पे, इसकी सेल इतनी ज़्यादा होती है ना। शेक स्क्वायर है बिल्कुल कोने पे, सबसे फेमस शॉप है शेक की। मैंने कॉफ़ी ली। तो गाइज अभी आ चुका हूँ घर पे वापस। एक्चुअली मैं कनॉट प्लेस गया था देने के लिए बैटरी इस वाली ट्रेन की, बट मेरे को नहीं मिल पाई। बट यार ब्लिंकिट पे मैंने देखा कि यार मैं इतना फिर दूर कनॉट प्लेस पे क्यों गया जब ब्लिंकिट पे मिल ही रही थी। तो मुझे पता नहीं कि इसकी जो बैटरी है इसमें कितनी चलती है, तो वो ऑर्डर करेंगे। और यहाँ पे बेब्लेड है, फार्मूला 1 है जो कि मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है, मेरे को फार्मूला 1 का डाइकास्ट चाहिए था। यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन है जो कि हांगकांग की लोकल मेट्रो है ना, तो उसका पूरा ट्रैक है। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी की एक छोटी स्केल मॉडल है एंड फोकलिफ्ट। भाई ये अमेजोन पे इतनी महंगी है एंड गेस वॉट, उसकी पूरी बात करेंगे प्राइसिंग की लास्ट में वीडियो के, कि मैं कुछ कितने का मिला। और ये बेब्लेड का स्टेडियम भी, तो अंकल जी साथ करने वाले हैं मेरी पूरी हेल्प सबकी अनबॉक्सिंग में। इतने सारे टॉयज हैं अंकल, वैसे टॉयज कहाँ बनते हैं आपके हिसाब से? और इंडिया में आते आते ही बहुत महंगे हो जाते हैं। हाँ। आप एक बात बताओ, सबकी सबकी कीमत कितनी होगी आपके हिसाब से? भैया क्या गेस, जैसे आपको पता कि यहाँ पे टॉयज बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ। तो ये कितने के होंगे? मैं आपको बोलूँ, वो वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि कितने सस्ते हैं, क्योंकि जहाँ बन रहे हैं तो सस्ते ही होंगे ना, इंडिया में टैक्स लग जाता है। हाँ, इंडिया आते आते महंगा तो हो ही जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला 1 बिकॉज सबसे टॉप पे फार्मूला 1 ही दिख रही है, और फिर हम करेंगे अनबॉक्स फोकलिफ्ट को। बेब्लेड से भी खेलेंगे, बेब्लेड अंकल लट्टू पता ना, बचपन में लट्टू से खेलू खेला होगा आपने, तो बेब्लेड उनके एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है, तो हम इससे भी खेलेंगे। वैसे भाई मेरे बेड बॉक्स के अंदर ना इतना बड़ा टॉय कलेक्शन है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो दे दूंगा उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन के अंदर जाके देख लेना। खोलो अंकल जी फार्मूला 1, बाहर निकालो जरा यहाँ से एक बार, ये चेक करो गाइस। निकालो अंकल जी, क्या स्केल मॉडल है यार, इसकी क्वालिटी चेक करो। ये रेसिंग कार होती है ना, उसका स्केल मॉडल है भाई, जस्ट लुक एट द डिटेलिंग। और मैं लाया भी फरारी वाला हूँ, ये बहुत क्रेजी लग रहा है। अब भाई बारी है फोकलिफ्ट की, बिकॉज ये मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है एंड मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी इसी का वेट होगा फोकलिफ्ट का सबसे ज़्यादा। इसकी मैंने स्पेशल पैकेजिंग करवाई थी हांगकांग एयरपोर्ट पे, बिकॉज ऐसे अलाउ कर नहीं रहते। मैंने एक वहाँ से गन भी ली थी यार, बट वो वहीं पे सैडली छूट गई, बिकॉज इंडिया में टॉय गन लाना अलाउड नहीं है और मेरा उसमें नुकसान भी हो गया। तो ये इसका रिमोट है क्यूट सा यहाँ पे, तो इसके अंदर ना पेचकस डाल के इसको खोलना पड़ेगा। ये तो इसकी बैटरी थी, रिचार्जेबल बैटरी है इसके अंदर। फोकलिफ्ट पे तो बैटरी अभी है नहीं, तो इतना हम बेब्लेड से खेल लेते हैं। बेब्लेड मैं अभी खोल रहा हूँ, इसको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, यहाँ पे देखो चार्जिंग पे लग गई है इसकी बैटरी। ऑलराइटी गाइस, अब बारी है हमारे बेब्लेड की। तो पूरा सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खुद के दिमाग से इसको सेट करना पड़ेगा। बेब्लेड सारे ऊपर दे रखे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के बेब्लेड है सच में। ये जान के इन्होंने ऊपर ऐसे दे रखा था कि जब आप खेल रहे हो ना तो ये ऊपर ना आए एकदम से बेब्लेड्स, तो इन्होंने काफी अच्छा मैकेनिज्म बना रखा है इस पे। स्टेडियम काफी अच्छा है यार, प्लास्टिक का है वैसे पूरा, तो सारे के सारे पार्ट्स आर हेयर। पूरा वेबलेट मेरे को खुद से बनाना पड़ेगा स्क्रैच से, कि इसकी टिप भी है इसके अंदर, ये बहुत कुछ है इसके पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो। और ये सारे के सारे ऑथेंटिक बेब्लेड्स हैं, ये ऐसे इसकी पैकेजिंग थी। बेब्लेड एक्स करके कंपनी है, वो बनाती है टकारा टॉमी। कम से कम 15 से 20 मिनट अभी लगा हुआ था बेब्लेड्स के अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे लगेंगे। चाइनीज़ में लिखी हुई है, मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह भी देख ली, बट ये चीज़ ना समझ नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर है इसमें, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। ये देखो इसके अंदर पूरी अरे भाई ध्यान से, तो पूरा तोड़ ही रहे हो आप तो। चेक दिस आउट,
पूरी स्पार्क आ रही है भाई, तगड़ी तगड़ी। क्या है यार ये लॉन्चर है कि क्या है ये बेब्लेड का? जब हम खेलेंगे तो कितना मजा आएगा स्टेडियम के अंदर। टेंटलाइन गाइस, वी आर ऑलमोस्ट हियर टू प्ले विद दिस नाउ। इसके अंदर बटन्स हैं, थोड़ा अपने पास ही दिखाओ। इसको मैं उठाऊंगा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है? ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं वाइफ को हमारे, फिर देखते हैं। बहुत ज्यादा। अब आपको उठा ले रहे? नहीं, अच्छा पास भी है आपको। मेरे को वॉडका का गिलास देना है, ये शराब देनी है, तो इसमें रख के आपको दे दूंगा कि ये लो भाई ले जाओ। देखो यहाँ पे रखूंगा ऐसे ऐसे, ये रखा मैंने बेब्लेड का लॉन्चर, ठीक है? ऐसे ग्लास आपके पास आएगा आगे, ठीक है? और फिर देखो इसको यहाँ से ऊपर कर दूंगा कि लो सर आपकी ड्रिंक आ गई है। ये देखो ये ऊपर आ गया, उठा लो। सही बात, आराम से आदमी उठा ले। हाँ, और जब पी लेगा तो ग्लास वापस रख देगा। अब यहाँ पे बस मेट्रो है जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मेरा होने वाला है फेवरेट का फेवरेट टॉय। इसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा ट्रैक को, एंड फॉर दिस आई ऑल्सो नीड टाइप सी अल्कलाइन बैटरीज, तो वो भी ब्लिंकेट करेंगे। तो ये ट्रेन पूरी सेटअप करने की बारी आ चुकी है, इसके अंदर यहाँ पे लगेगी बैटरी। इतना मैं ट्रैक सेटअप करता हूँ, फिर अपना ऑर्डर भी आ जाएगा ब्लिंकेट से। ये ऐसी ट्राम है, मतलब ये पूरी सेटअप करने से पहले भी हैव द बैटरीज। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार कि क्या ट्रेन है, कैसे जुड़ेगी कैसे नहीं, इतना दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा इसके अंदर। हाँ यार बहुत ज़्यादा वो है ये। इसको तो देखो इसे ट्रैक बिठा देंगे तो ये चलने लग जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगी ये, ठीक है? बट सेटअप करना पड़ेगा ट्रैक पूरा ऐसे, इस पर कोई इसकी मैनुअल नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सारे डॉक्स को ना पैक कर देता हूँ, यहीं तक ही चीज़ें थी है। अंकल मैंने बोल दिया इसको बना दूंगा, आप कल आओगे आपको सारा कुछ बना हुआ मिलेगा। कह रहे कैसे, मैंने बोला बस वो राज है। बताओ ना क्या राज है थोड़ा? अच्छा इशारे से करो, इशारे से करो, इशारे से करो। अंकल कह रहे हैं समझ गए ना। और साथ में टॉयज के अलावा ये शॉपिंग भी करी है, जो कि है ये गुची का बाग। गुची मम्मा वहाँ पे आपको कम्पेरेटिवली इंडिया से सस्ता मिला है, महंगा? हाँ, सस्ता मिला, और वहाँ के जो मैं साइज मांग रही थी ये साइज भी यहाँ नहीं मिल रहा था। हाँ अच्छा, और ये ऊपर से वो है जो इनकी नई वाली आई है कलेक्शन, समर वाली 2024। हाँ। इसका मेन ये देख रहे हो, ये बहुत सही लगता है मेरे को गुची का। हाँ। ठीक है मम्मा, अब इसके अलावा आपके डियोर हो गया, एलवी हो गया। हाँ। अब शनेल अगला बर्किन बैक कब लोगे मम्मा? बर्किन तो सस्ता है मम्मा, 41 लाख ओनली। और रही बात टॉयज की, तो अंकल जी ने बोला जो टॉयज वो मैं लेकर आया वो कुछ 2.5 लाख के लग रहे हैं उनको। और असली में सब टॉयज की कॉस्ट बताऊं मैं 22,000 रुपए के इतने सारे टॉयज लेकर के आया हूँ। टॉयज आर वे मच चीपर ओवर देयर, इंडिया में तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो वहाँ तो बहुत सस्ते टॉयज मेरे को मिल गए सिर्फ 22,000 रुपए के। ऑलराइट गाइस, हम निकल चुके हैं। अंकल जी थोड़ा गुस्सा है मेरे से अभी। सुनो अभी से केक पड़ा, केक खाओगे? नहीं भाई। उसको दिखी दी रहा, वो चढ़ा रहा उसके ऊपर गाड़ी। तो यार अभी सर के पास आ चुका हूँ मैं दोबारा से, और ये रहे सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कल भी आए थे आज भी आ गए, देखो कैसे सर। लड्डू के लिए आया था मैं, तो लड्डू देने ही। थैंक यू। और इतना आप लोगों ने गाइस पूरा आज का व्लॉग देखा कि कैसे मैं क्या क्या लेकर आया था, टॉयज वगैरह, और साथ में मम्मा का पे देखा पर्स जो आया था मैं गुची वाला। तो खत्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को गाइस, यहीं पे ही मिलता हूं उसमें नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।